नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप अपना जो है सीजी फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त वन भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। स्वयं से, मोबाइल से या कंप्यूटर से कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं, चाहे आपके पास जो भी सुविधा हो। तो आप किस प्रकार से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे डिटेल से पूरा पेमेंट तक। तो इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर कोई भी समस्या होता है तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब बिल्कुल से देंगे। तो दोस्तों चलिए हमें जो है सबसे पहले छत्तीसगढ़ के CGPSC की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहां पर जो ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करके यहां पर हमें आ जाना है, जहां पर दोस्तों अब खुल गया है CG फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म। तो इस पर हमें क्लिक करना है CG फॉरेस्ट सर्विस कॉम्बिनेशन एग्ज़ाम पर। तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो पेज जो है आगे खुलेगा। पेज आगे खुलने के पश्चात यहाँ पर हमें तीन बिंदु दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है हमें उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो आया हुआ है, और ये इस पर दूसरे पर क्लिक करेंगे तो हमें जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का, चाहे आप नया हो पुराना हो, यहाँ पर आपको फिल करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा वे क्लिक हर टू एडिट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ CG फॉरेस्ट एग्ज़ाम। तो आप यहाँ से आप जो है एडिट कर सकते हैं अगर कोई गलती होता है तब की स्थिति में। तो हमें दूसरे पर क्लिक करना है, उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो पेज जो है आगे खुलेगा। पेज खुलने के पश्चात हमें जो है लॉगिन ID बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा, पहले पर हमें साइन अप करने हैं, दूसरे पर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म अपलोड डॉक्यूमेंट। तो इस पर भी आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा और विथ यानी कि पेमेंट भी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें नीचे आना है, मूव टू मोर, उसके बाद फिफ्ट मोर, और यहाँ पर आप हमें रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा फॉर्म जो है खुल जाएगा, यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के लिए छत्तीसगढ़ वन के लिए पेज जो है खुल गया है, इस पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है। इस प्रकार से हमारा पेज जो है खुल गया है। यहाँ पर हमें पहला पर है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, यहाँ पर हम भारतीय, अगर अन्य है तो यहाँ पर। उसके बाद अपना नाम, आवेदक का नाम, आवेदक का पिताजी का पूरा नाम, फिर उसके अगर पति हैं तो उसका नाम, अगर माताजी का नाम, फिर आप महिला हैं पुरुष, उस पर क्लिक करना है कि आप छत्तीसगढ़ से मूल निवासी हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं, जैसे बाहरी राज्य से हैं छत्तीसगढ़ के अलावा, तो यहाँ पर जो है अदर पर क्लिक करना है। फिर वर्ग आपको कौन से कैटेगरी में आते हैं, ST, SC, OBC, जनरल। फिर क्या आप जो है भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए कुल वर्ष यहाँ पर जो है रखना है। फिर आपको जो है एंड आप क्या आप छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कर्मचारी हैं या किसी भी छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड निगम में कार्यरत हैं, तो इस पर हमें जो है क्लिक करना है। इस पर जो है क्लिक करना है यस या नहीं करके। फिर आपको यदि अभ्यर्थी सेवारत में नियुक्त हैं, अधिकारी द्वारा सूचित अनापत्ति प्रमाण पत्र की तिथि यहाँ पर जो है फिल करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर रहे हैं, यदि हाँ तो सेवा की अवधि आप कितने वर्ष तक, कितने महीने तक आप कार्य किए हैं उसको फिल करना है। फिर आपको क्या वर्तमान क्षेत्रीय शासन में संविदा कर्मचारी हैं, यस या नो पर हमें जो है क्लिक करना, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नो। इस प्रकार से आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने पर यहाँ पर यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो नियुक्त अधिकारी को सूचित करने हो तो अनापत्ति पत्र। इस प्रकार से यहाँ पर जो है, और कि आप आयु में छूट चाहते हैं, एज में अगर आप छूट चाहते हैं तो यहाँ पर यस और नो पर क्लिक करके रखना है। फिर उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर जो है फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद साथ अब जो है डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफिकेट यानी कि प्रूफ करने के लिए कौन से मार्कशीट दे रहे हैं, 10वीं का मार्कशीट या ओल्ड 11वीं का मार्कशीट या 12वीं का मार्कशीट, इस पर क्लिक करना। उसके बाद पश्चात आपको जन्म तिथि स्वरूप के लिए दिए गए दस्तावेज को प्रदर्शित करने के लिए, अगर 10वीं का दे रहे हैं 10वीं का रोल नंबर, 11वीं का दे रहे हैं 11वीं का, अगर 12वीं का दे रहे हैं तो 12वीं का रोल नंबर को यहाँ पर जो है फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर जो है क्या सेवा अवधि के दौरान कोई भी पृथक दंडनीय किया गया है यानी कोई भी गलत कार्य का, तो यहाँ पर जो है यस या नो पर यहाँ पर रखना है। फिर यदि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण सिद्ध हो चुका है तो उसको भी यहाँ पर जो है यस या नो पर जो है रखना है। फिर अब आता है आपका मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है केवल नंबर को ही लिखना है, +91। इस प्रकार से आपको कोई भी जो है कंट्री कोड नहीं डालना है। फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल ID जो वर्तमान में चल रहा है उसको जो है फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर टिक करके कंटिन्यू एप्लीकेशन करना है। तो चलिए सबको फिल करके तब मैं आपको बता रहा हूँ। अपने सभी जानकारी देने के पश्चात हमें कंटिन्यू पर क्लिक करके हमें पेज जो है आगे
पढ़ना है ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो सके। तो जैसे क्लिक कर देंगे तो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP और यूज़र आईडी जो है सेंड कर दिया जाएगा। तो उसके पश्चात हमें जो है आईडी उसको हमें लॉगिन करके फॉर्म को आगे फिलअप करना है। OTP को फिल करने के पश्चात हमें जो है कंटिन्यू पर क्लिक फिर से कर देना है। उसके बाद हमारे जो है फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के पश्चात हमारा बेसिक डिटेल जो है साइन अप हो गए। अब हमें अपना फॉर्म को जो है अच्छे से फिलअप करना है। तो यहाँ पर हमें पहले बेसिक डिटेल देना है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात हमें ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना जो है डिटेल को फिर से, यानी कि अपना बेसिक डिटेल को फिल करेंगे डिटेल। उसके बाद पेज आगे हमें सेव एंड कंटिन्यू पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमारा यहाँ पर एड्रेस, फिर उसके बाद अपना सिटी विलेज, फिर राज्य एंड जिला, पिन कोड, अगर एड्रेस सेम है तो यहाँ पर जो है मैं इस करंट एड्रेस पर टिक लगा रहे हैं। उसके बाद सेम वही आ जाएगा। फिर आपका जो है फिजिकल हाइट, अपना हाइट एंड चेस्ट को यहाँ पर जो है फिल करना है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिटी परीक्षा केंद्र को जो है सेलेक्ट करना है। यदि आप विवाहित हैं तो यस या नो पर जो यहाँ पर जो है क्लिक करना है। यदि आप विवाहित हैं तो उसका जो है तिथि को फिल करना है। यदि आप परिपक्व विधवा हैं तो यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करना है। क्या आप होम गार्ड के रूप में सेवारत हैं तो उसको भी यहाँ पर यस या नो पर, यदि आप सेवारत हैं तो वर्ष और मंथ को जो है फिल करना है। कि आप शिक्षा कर्मी या पंचायत कर्मी हैं या थे, यस या नो पर नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद यदि हाँ तो आपके पास शिक्षा कर्मी पंचायत के रूप में कार्य का अनुभव कितने वर्ष है, क्या उम्मीदवार सेवा से कभी छटनी किया गया है, इस पर यस या नो पर रखना है। यदि हाँ तो उसका जो है अनुभव को यहाँ पर जो है फिल करना है। यदि आप अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उम्मीदवारों को सम्मानित किया गया है, यस या नो पर यहाँ पर जो है क्लिक करना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार जो है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित है, अगर हैं तो यस या नो पर जो है क्लिक करना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर पेज को फिल करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए सबको फिल करके आप सामने फिर आता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पर जो है क्लिक कर देना है सभी जानकारी फिल करने के पश्चात। उसके पश्चात दोस्तों अपना जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, 12वीं और ग्रेजुएशन का। तो सबसे पहले दोस्तों 12वीं में देखते हैं आपके कौन से सब्जेक्ट से पास किए हैं उसको। अगर यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अगर 12वीं में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर पढ़ाई किए हैं तो यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये सभी डिटेल फिल करने के पश्चात क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना जो है पोस्ट को सेलेक्ट करना है, पोस्ट प्रेफरेंस को, कि आप कौन से पोस्ट में फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है सहायक मत्स्य रक्षक और वन क्षेत्रपाल। पोस्ट को सेलेक्ट करने के पश्चात सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है ताकि पेज हमारे लिए जो है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सके। तो यहाँ पर आपका जो है फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसका साइज़ जो है 50 KB मैक्सिमम एंड डायमेंशन जो है 100 पिक्सल एंड 150 पिक्सल का होना चाहिए एंड सिग्नेचर जो है 50 KB का होना चाहिए। इसके पश्चात प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है ताकि हमारा फॉर्म आगे फिल हो सके। तो प्रीव्यू एंड कंटिन्यू पर ही सबमिट करना है। उसके बाद फॉर्म फिल होने के पश्चात इस प्रकार से पूरा फॉर्म हमारे सामने फिल होकर आ जाएगा। तो हमें इसको जो है अच्छे से चेक कर लेना है ताकि कोई गलती ना हो। उससे पहले एडिट डिटेल पर हम डिटेल को क्लिक करके हमारा जो कुछ भी गलती हुआ है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म कंप्लीट फिल हो गए, अब केवल प्रोसेस टू पेमेंट पर ही क्लिक करना है हमें पेमेंट आगे करने के लिए। जैसे पेमेंट आप किस माध्यम से करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट, तो हमें जो है 306 रुपये का पेमेंट लगेगा। तो यहाँ पर हमें पेमेंट पूरा करने के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर
अगर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और अपना ईमेल आईडी, उसके बाद प्रोसेस टू में कर देना है। उसके बाद आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी अन्य माध्यम से आप कर सकते हैं।